नमस्कार, आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। हम बात करेंगे विलुप्त हो रही पारंपरिक गायन विधा लामण झूरी गंगी के बारे में। लोक साहित्य में लोकगीतों का जितना महत्व है, उतना ही महत्व लामण झूरी गंगी नैनी दशी जैसे पारंपरिक गीतों का भी है। इन गीतों को गाते समय वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि शांत वातावरण जैसे कि पशुओं को चराते समय या फिर खेत खलिहान में काम करते समय ये गीत गाए जाते थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो ये पारंपरिक गीत जो है प्रायः विलुप्त से हो रहे हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन बेहद ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन गीतों की मिठास को महसूस कर सके। और ऐसा ही एक प्रयास किया है शिमला जिला के कुमारसेन तहसील के कोटगढ़ क्षेत्र में प्रकृति की गोद में बसे मेलन गांव की महिलाओं द्वारा। देवता चत्रमुख की छत्रछाया में ये गांव निरंतर प्रकृति की पथ पर अग्रसर है। आधुनिकता की चकाचौंध में भी इस गांव के लोग अपनी प्राचीन संस्कृति, देव परंपरा, देव आस्था और रीति रिवाजों का निर्वहन जो है मिलजुल कर करते हैं। और यहाँ तक कि युवा भी अपनी प्राचीन लोक संस्कृति और देव परंपराओं के महत्व को समझते हुए इसे दिल से निभाते हैं। वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो स्वच्छता अभियान हो, नशा मुक्ति अभियान हो या फिर अन्य सामाजिक मुद्दे जिन पर काम करना हो या जिन पर बात करनी हो, तो इस गांव की महिलाएं जो है किसी भी कार्य में पीछे नहीं है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यानी हर काम को मिलजुल कर करने में यहां की महिलाएं सक्षम हैं, सशक्त हैं। और ये एक सुखद संकेत ही है कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में यहाँ के लोग जो है अपने पारंपरिक मूल्यों की पोटली को बखूबी समेटे हुए हैं। इसी दिशा में ये छोटा सा प्रयास प्राचीन विधा यानी लामण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में पारंपरिक परिधान रेष्टा और धातु के साथ प्रकृति की गोद में बसे गांव मेलन की महिलाओं द्वारा किया गया है। तो आप भी आनंद लीजिए विलुप्त हो रही इस पारंपरिक विधा लामण का। उबे उबे दे मेरे को बुलाओ इधर। रोयो दो सब के दे मावड़ी के दे बेसो भाई बाय ना
If you like this video, please like, subscribe and share Himalayan Global Village and Himani YouTube channel.